What's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video of Roblox guys. And आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox के अंदर Evil Crush. तो guys ये है हमारे Crush का घर and हम लोग आए हैं यहाँ पे उनको flowers देने के लिए. लेकिन लगता है मैडम जी घर पर नहीं है. तो भाई अंदर जाना पड़ेगा लगता है आपको bro. अरे दरवाजा तो बहुत धीरे धीरे खुल रहा है भाई. तुम अंदर आओगे नहीं क्या चौप? तो भाई आ रहा हूँ. अरे रुक जाओ भाई मेरे को भी फूल लेने पड़ेंगे ना bro. अरे इधर तो कटसीन दिखा रहा है. ये हो क्या रहा है भाई यहाँ पर? कोई घर के अंदर है क्यों नहीं guys? लिविंग रूम इतना ज्यादा खाली क्यों लग रहा है दोस्तों? सन्नाटा से भरा हुआ है. देख रहे हो टीवी पे भी भाई स्टैटिक इफेक्ट आ रहा है. ये देखो चौप भी एंट्री मार चुका है. बिजली बिजली कटी हुई है. और भैया ये क्या हो गया भाई क्रश मैडम जी का? भाई लगता है ये आप भाई भूत वूत बन चुकी है. भागना पड़ेगा यहाँ पर से. अरे भाग तो नहीं सकते है दोस्त. एंट्री ब्लॉक करती है. लेकिन गाइज अब हम लोगों को लगता है उससे मिलने के लिए पूरा घर वर पार करके जाना पड़ेगा. भाई ये तो कितना बड़ा घर है भाई. यहाँ पे क्या करेगा अपन लोग? भाई क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे और क्या करेंगे? निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा भाई. इतनी आसानी से नहीं निकल पाएंगे. लगता है गाइस चाबी वाबी ढूंढनी पड़ेगी. हाँ एक्चुअली मैं अपने को चाबी ही ढूंढनी है. राइट साइड में देखो भाई तीन चाबी ढूंढने का ऑप्शन आ रहा है अपनी स्क्रीन पर. तो देखते हैं चाबी वगैरह कहाँ पर मिलती है. फिलहाल तो बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं. एंड ये देखो सीढ़ियां है. ओ चाबी. अरे चाबी मिल गई भाई. तो भाई देखो चाबी मिल गई ब्रो. आप बताओ आप क्या बोलोगे मेरे को? मैंने चाबी ढूंढी है ब्रो. अबे चल बे तूने ढूंढी है. मेरे को भी दिखाई दिया था समझ गया. ऑलराइट गाइस तो दो चाबियां मिल चुकी है. तीसरी चाबी भी यहाँ पर मिल चुकी है. एंड इससे क्या ट्रेजर चेस्ट खोलना है? अरे नहीं ट्रेजर चेस्ट नहीं खोलना है. आई थिंक हम लोगों को नीचे में जो ये बेसमेंट का दरवाजा है इसको खोलना है इन चाबियों से. और ये क्या है भाई? यहाँ पे कौन सा जानवर बांध के रखा जाता है? फोक्ट भाई आप आए ही क्यों भाई फूल देने के लिए? अरे मैं सोचा भाई कि अपन लोग मस्त फूल वूल दे के बातें करेंगे. मेरे को क्या पता था भाई कि यहाँ पे फंस जाऊंगा मैं. चलो गाइस एटलीस्ट मैं उसको तो पार कर गया. अब ये क्या है? यहाँ पर भाई गरम गरम स्टीम निकल रही है हमारे सामने से. क्या अपन लोग इसको पार कर पाएंगे? चलो रेड लाइट ग्रीन लाइट मिल गई. अरे आराम से थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस. इसको जाने दो एंड उसके बाद जाएंगे उस पार. तो भाई ये वेपर इतना ज्यादा गर्म कैसे है ब्रो? अरे ये सब हमें मारने की साजिश है भाई. तुम जानते नहीं हो. लगता है वो जो भूतनी है ना वो अपने को आज पकड़ करके भाई मार करके हमारा शिकार किया जाएगा दोस्तों. ओहो ये क्या है भाई? फाइंड द लेवर टू पावर ऑन द एलिवेटर. ओके तो एलिवेटर के लिए हम लोग को पावर चाहिए. एंड पावर मिलेगी कहाँ से? लेवर से. तो चलो लेवर को खोलते है भाई एंड जाते हैं उस पार. ऑलराइट गाइस तो मैं और चॉप यहाँ पर आ चुके हैं पता नहीं एक वियर्ड से टैंकर के अंदर. एंड एज यू गाइस कैन सी इधर से भाई पूरा भूल भुलैया बना दिया है. और आप लोग देख सकते हो हम लोगों को रेंचेस ढूंढनी है भाई. ये देख रहे हो ये है रेंच नंबर 1. गलती से भाई मैं नीचे गिर गया. मेरे को ऊपर जाके जितने और बाकी रेंचेस है उनको भी ढूंढना है. तो भाई इतने सारे रेंचेस क्यों ढूंढवाए जा रहे हैं भाई अपने से? अरे लगता है दोस्त इन सारे के सारे रेंचेस से हम लोगों को फिर से फिक्सिंग करनी पड़ेगी. बताओ यार एक बार फिक्सिंग काफी नहीं थी भाई? दोबारा करवा रहे लोग क्या भाई? मैकेनिक समझ के रखा है क्या भाई? और इतना बड़ा घर है भाई इनका भैया मेंटेनेंस करवाओ भाई. इतने पैसे लोग के पास बताओ. घर खरीदने के पैसे हैं लेकिन मेंटेनेंस करने के पैसे नहीं है. बताओ भाई लोग घर पे आते हैं उनको कैद करके घर की मरम्मत करवाते हैं ये लोग. तो भाई बिल्कुल सही बोला ब्रो. मेरे को यार अपने घर का भाई पाइप ठीक करने नहीं आता है ब्रो. इनके घर का जा करके काम करना पड़ रहा है. तो भाई बिल्कुल सही बोला दोस्त. लेकिन कोई बात नहीं अब क्या करें भाई. जान की परवाह है तो करना ही पड़ेगा. और ये देखो पांचों के पांचों रेंचेस का यहीं पर इस्तेमाल है. और इनसे हम लोगों को यार इस वायरिंग को फिक्स करना है तभी गेट उस पार खुलेगा. और नहीं तो भाई बेसिकली तुम टाटा बाय बाय बोल सकते हो अपने आप को. कोई रोकेगा नहीं तुमको दोस्त. और ये हो चुका है ऑलमोस्ट फिक्स. ओके गेट खुल गया. चलो 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 चलते हैं गाइस. चॉप का लगता है थोड़ा सा और टाइम लेगा बट लेट्स गो. ओके तो यहाँ पर से वायरिंग आती हुई. अरे ये क्या है भाई? एसिड फेंका जा रहा है यहाँ पर तो. भाई थोड़ा आराम से ब्रो आपके शरीर को जला के राख कर देगा ये एसिड. अरे जला देने दो भाई डरता नहीं हूँ मैं. अरे सही में जला दिया भाई. मैं तो तेजी में जा रहा था फिर भी मार दिया भाई. तेजी का कोई वैल्यू ही नहीं है गाइस. यहाँ पर अगर आप फंस गए तो फंस गए भाई. तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम समझो. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन तो आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट हम लोग फाइनली इस पार पहुंच चुके हैं. एंड इधर लगता है ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं. अरे ज़ॉम्बी भैया सॉरी भाई गलती से टच कर दिया. बताओ यार एकदम कान में चिल्ला रहा है भाई ये. चलो तो गाइस इतना तो पता है ये भाई इसका सीवर सिस्टम है ठीक है. जितना भी नाले का पानी है यहीं से जाता है. एंड मैडम जी के नाले में ज़ॉम्बीज क्या कर रहे हैं? तो भाई वो छोड़ो ये इतनी बड़ी जिप लाइन क्या कर रही है भाई इनके घर के अंदर? अबे ये क्या बना दिया है भाई? एस्केप हाउस है कि क्या है बताओ यार? ऐसे मतलब लिटरली लटक के भागना पड़ रहा है भाई बंदरों के जैसा. एनीवेज एग्जिट तो दिख गई है. चलो यहाँ पर से निकलते हैं. वो भाई अंधेरा बहुत ज्यादा है गाइस कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को. ओह एग्जिट मिल गई. ऑलराइट फाइनली हम लोग किसी रूम के अंदर आ चुके हैं. आई डोंट नो इस रूम के अंदर क्या करना है. लेट्स जस्ट कीप गोइंग थ्रू और देखते हैं शायद कहीं पर हम लोगों को कुछ पता चल जाए. चेक पॉइंट मिल चुकी है गाइस. इतना सारा टॉक्सिक वेस्ट दिख रहा है ना मेरे को अपने सामने. इन सब के ऊपर जंप करके विल मेक इट टिल द एंड डोंट वरी. ओके गाइस अब ये देख रहे हो इतने भाई ये क्या है? ये दरवाजे के नाम पे मजाक चल रहा है भाई. इधर स्पाइक्स भी लगा दिए भाई. हे भगवान इतना ज्यादा Z+ सिक्योरिटी वो
भी सिर्फ रैंडम स्ट्रेंजर्स के लिए? भाई लगता है ना मेरे को ये भूत से बढ़ के बात है भाई। ये जो इविल क्रश मैडम जी है ना, इनसे बचने के लिए अभी ये कौन सा मिशन दे दिया? हर पास्ट फ्रॉम विक्टिम्स, क्या ये मैं पढ़ भी नहीं पाया, बताओ यार इतनी तेजी से चला गया। ओके, तो बेसिकली मेरे को लगता है ना कि ये वो और लोग है जो पहले आए थे और यहाँ पर मर गए, एंड बेसिकली बाद में इनको ज़ॉम्बी बना दिया गया है गाइस। तो अब हम लोगों को अपनी चक्कू लेकर के इनसे बचते हुए जाना है एंड होपफुली इन लोगों को मारना है। लेकिन मैं तो लड़ूंगा ही नहीं सर, मेरे को एग्जिट दिखा दो, मैं शांति से निकल जाऊंगा। मैं पता है मैं लड़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं। भाई आप ऐसा इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि ज़ॉम्बीज आपसे मरेंगे नहीं भाई। अरे सही बोला यार, चक्कू से थोड़ी ज़ॉम्बीज मरेंगे, अबे एग्जिट कहां पर है भाई? पूरे दुनिया का चक्कर लगवा दिया, बताओ 5-6 ज़ॉम्बीज मेरे पीछे कूदम कुदाई खेल रहे हैं और अपने को एग्जिट का पता ही नहीं है। दोस्तों बताओ क्या दिन आ गए। ओके एग्जिट आई थिंक यही थी, मैं फालतू का इधर उधर घूम रहा था। ऑलराइट वी हैव मेड इट। और ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट? अरे भैया हाइड्रोलिक प्लस कन्वेयर बेल्ट और स्पिनिंग स्पाइरल ब्लेड्स, इतनी सारी ऑब्स्टिकल भाई। ये तो पता है 5-6 रेस का कंटेंट निकाल के एक ऑब्स्टिकल के अंदर लगा दिया भाई। ये खतरों के खिलाड़ी वर्जन 3 बनाया जा रहा है। रुको रुको रुको, मेरे को मरना नहीं है। ओके आराम से जाएंगे गाइज, जब तक भागेंगे तब तक हमारी सांसें चलेंगी, जब तक पैर चलेंगे गाइज तब तक सांसें चलेंगी। और ये कहां घुसा दिया? ओके गेट खुल चुका है, चलो अंदर चलते हैं गाइज। एंड भाई सामने में तो कुछ और ही सीन है। इज दिस अ गेम ऑफ रेड लाइट और एम आई डेड मीट? ओके तो गाइज स्क्विरल स्क्विड गेम्स को तो आपको पता ही है भाई, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला क्या लोचा रहता है। ग्रीन लाइट पे आपको भागना है एंड रेड लाइट पे आपको स्टॉप करना है। अगर आप नहीं स्टॉप करोगे तो आप मर जाओगे, जैसे कि मैं। अरे भाई मैंने थोड़ा पहले भाई आगे बढ़ने की कोशिश कर दी एंड अफसोस अपन मर चुके हैं गाइज। ऑलराइट तो गाइज इस बार बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ हम लोग आगे जाएंगे, मरना नहीं है दोस्तों। ओ भाई जैसे जैसे आप एंडिंग के पास पहुंचते जाते हो ना गाइज, वैसे वैसे ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट का जो टाइमर है ये भी तेज होते जाता है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम लोगों ने यार 70% से भी ज्यादा कंप्लीट कर लिया है। अब बस हम लोगों को यहाँ पर से वर्क योर वे डाउन द टनल, देख रहे हो एक टनल है एंड हम लोगों को वहां तक पहुंचना है। लेकिन भाई रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं और जो होल है वो भी बहुत ज्यादा डीप है, तो यानी कि अगर आपका गलती से पैर फिसल गया तो आपकी मौत जो है वो पक्की है गाइज। भाई अरे मेरे को भी ले चलो ब्रो, मैं बहुत पीछे रह गया भाई। अबे तो तुम पैर जल्दी जल्दी चलाया करो भाई, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है तुम पीछे रह गए, मेरे को भाई एंडिंग तक पहुंचने का है। ऑलराइट ये क्या है, पियानो? गाइज हमें दूर में पियानो की आवाज आ रही है। ओके मेरे को कीज भी आई थिंक कलेक्ट करनी पड़ेंगी यहाँ पर, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर आई गेस इन्होंने रूम बनाया है, तो चलो देखते हैं कीज कहाँ पर है गाइज। आई थिंक सीढ़ियों पे मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। ऑलराइट चलो सीढ़ियां क्लियर है। ओके सेकंड चाबी भी मिल चुकी है, अब बस अपने को अपनी थर्ड चाबी ढूंढनी है। तो गाइज ये तो पियानो वाले अंकल है, इनको पियानो बजाने दो। और दरवाजा इधर है लेकिन चाबी किधर है भाई? ऊपर तो नहीं छुपा दिया इसने? आई थिंक पियानो के पीछे है। यस देखो भाई कहां छुपा देते हैं भाई चाबी को। ऑलराइट चलो भाई फटाफट से दरवाजा खोलते हैं एंड एस्केप द लाइब्रेरियन। ओ तो अब हम लोगों को लाइब्रेरियन से बच के जाना है, तो ये एक नया मॉन्स्टर है भाई। एक गेम के अंदर में इतने सारे मॉन्स्टर से बच के भागना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हमारी मंजिल हमारा इंतजार करेगी। तो भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है भाई, आप इतना आगे चले गए, लाइब्रेरी तो मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रही है ब्रो। अरे दिख जाएगी दोस्त, तुम मेरे को लगता है अभी स्क्विड गेम वाले लेवल पे ही अटके हो। डोंट वरी, ट्राई करते रहो, तुम्हारा भी किस्मत जरूर चमकेगा। अभी तो भाई मैं पार्कोर ऑब्बी के अंदर आ चुका हूँ, द फ्लोर इज लावा चैलेंज कर रहे गाइस अपन लोग। और भाई एक बात बताओ, ये मैडम जी का घर है कि महल है कि क्या है भाई? इसमें लावा कहाँ से बह रहा है? और भाई इतना जगह है तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं करवाती है भाई? मतलब कुछ भी लॉजिक हो रहा है। खैर हटाओ गाइस, ये गेम है तो गेम के जैसा ट्रीट करते हैं। और वैसे भी मैं फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाला हूँ, तो हु केयर्स, है ना? अपने को बस निकलने का है भाई, जल्दी से निकालो मेरे को बस। ओके दरवाजा मिल चुका है, ये क्या है, चेक पॉइंट रिसीव्ड। और फिर से हमें यहाँ पर 3-3 चाबियां कलेक्ट करनी है। तो पहली चाबी तो मिल चुकी है, दूसरी चाबी भी यहाँ पर मिल चुकी है एंड अब हमें तीसरी चाबी ढूंढनी है। ओके तीसरी चाबी भी यहाँ पर ऑयल बैरल के पीछे ही छुपी हुई है गाइस। तो भाई इतनी चाबियां ढूंढी है ना अपनी जिंदगी में, इतना तो आपने घर बंद करने के लिए नहीं लगाया होगा भाई ताला। अरे क्या बताओ दोस्त, कभी कभार बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और ये क्या है, ये कोई मेज लग रहा है गाइस एंड यहाँ पर आ चुकी है इविल क्रश। ओ भाई भागो भागो भागो, एक सेकंड रुको, उधर से तो मैडम जी आ रही है, अपन लोग इधर से जाएंगे। ओ माई गॉड, क्या गाइस हम लोग यहाँ पर से जिंदा निकल पाएंगे? वैसे मेरे को लगता है उतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा और मैडम जी का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है गाइस, बट कुछ कहा नहीं जा सकता है ठीक है। हो सकता है वो राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेजी से आ जाए, हमें पकड़ ले। और अरे पकड़ लिया, देखा मैंने बोला था ना। लेकिन गाइस पकड़ने के पहले मैंने चेक पॉइंट ले लिया है, तो एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अभी एक और चैलेंज हमारे सामने है दोस्तों, और वो है इस रूम जिसमें बहुत सारे चक्कू हवा में उड़ रहे हैं। इन रूम में से हम लोगों को एकदम सेफली उस पार जाना है बिना चक्कू को टच किए हुए। तो गाइस आराम आराम से जाएंगे एंड ये भी कंप्लीट हो गया। ओके वॉक थ्रू द लिविंग रूम, चलो भाई अब देखते हैं अब क्या बवासीर इंतजार कर रहा है उस पार, पक्का मारा मारी करवाएंगे यार। ओ वॉक थ्रू द लिविंग रूम, अच्छा अब जाके ऑप्शन आया, मेरे को लगा भाई ये लिविंग रूम थोड़ी है, ये तो भूल भुलैया है। ओके लेट्स गो गाइस, लिविंग रूम अब आ चुका है हमारी स्क्रीन पर।
लेकिन यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कचरा फैल चुका है। आपको याद है जब हम लोगों ने एंट्री मारी थी तब ये बिल्कुल क्लीन था, लेकिन गाइस ओह शिट ये कहाँ आ गया मैं, लगता है यहाँ पर दोस्तों वेट करना पड़ेगा 25 सेकंड। चलो वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो काफी वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो टाइमर है वो फाइनली ओपन हो चुका है और हम लोगों को यहाँ पर अरे भाई इतने बड़े मॉन्स्टर को रॉकेट लॉन्चर मार मार के हराना है। तो ये देख सकते हो अगर एक रॉकेट लॉन्चर मारते हैं तो 50 की हेल्थ यहाँ पर उड़ जाती है। तो बेसिकली ऐसे कर करके इसकी हेल्थ को गिराना है और जीरो पे लेके आना है। भाई यार ये इविल क्रश टैंक कैसे बन गई मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, बट गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसका बैंड बजा करके, क्योंकि भाई काफी हेल्थ है तो काफी टाइम भी लगने वाला है। ऑलराइट, तो गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, वैसे उतना मेहनत भी नहीं लगा यार, मतलब थोड़ा मारा मारा हम लोगों ने और फाइनली हम लोगों ने इविल क्रश को डिफीट कर दिया एंड अब टाइम है इस गेम से बाहर निकलने का। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, एंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।